हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो अभी हम जगमग जगमग वाली झाड़ू साड़ी ले आए हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसको मंगाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, उससे ज़्यादा इसको देखने के लिए, मतलब जैसे ही आया तो मैंने कहा यार मीशो को क्या हो गया, मतलब मीशो का दिमाग वमाग इतनी समय स्थिर है या नहीं स्थिर है। ऐसी ऐसी साड़ियाँ दे रहा है ना कि समझ लो हम लोगों की जो पॉकेट है वो खाली होती जा रही। अब लगता है कि ठीक है अब नहीं लेंगे, लेकिन वो एक से एक साड़ी पे साड़ी लेकर आता है ना, तो फिर रहा ही नहीं जाता है। तो आप देख सकते हो ये फुल सीक्वेंस, इन्हें सीक्वेंस पसंद है ना, मेरा तो फेवरेट है। मेरे पास आप जितनी ड्रेसेस देखोगे सीक्वेंस वर्क तो होना ही होना है। इसकी शाइन देखो, इसमें गोल्डन नहीं सिल्वर कलर का काम है, हल्का गोल्डन पे जा रहा है, बट ये है एक्चुअल में सिल्वर। इसको आप देखो, वाओ वाओ, क्या कहना है इस साड़ी का, कितनी सुंदर ये साड़ी है। फुल मतलब इसमें जरी और सीक्वेंस का काम है, पूरा जो भरा पड़ा आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इसमें शाइन है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रंट, ये है पल्लो, तो आप पल्लो का कमाल देखो कितना ज़्यादा सुंदर है। ये बाबू जी को शोर कर रहा है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो वह ऐसी करता है। तो कुछ इस तरह की ये साड़ी है, तो चलो हम साड़ी स्टार्ट करते हैं। तो पूरी की पूरी साड़ी में वर्क है, और ये जो साड़ी है ना पूरी की पूरी हैवी, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, पूरी साड़ी में वर्क है। ये देखिए पूरी की पूरी साड़ी में वर्क है। और जो नीचे का आता है, इसकी खास बात अभी जो अभी मैंने साड़ी वेयर की, इसमें हाफ है थोड़ा सा, जब आप देखोगे इसका लुक तो आपको समझ में आएगा। ये जो साड़ी, ये देखो आप, ये मैं आपको नीचे की जो प्लेटिंग है वो दिखा रही हूँ। यहाँ से ये है इसका ब्लाउज, क्या हो गया यार, ये इतना ये ब्लाउज का पोर्शन है, आप देख सकते हैं इसमें भी शाइन है, कपड़ा अच्छा है, जॉर्जेट का कपड़े पर है ये। इसके बाद ये आपका थोड़ा सा जो है खोसने में आ जाएगा, बहुत कम है, ये देखिए इतना जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये नीचे का पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो आप, मतलब पूरे में इतना पिनअप अंदर जाएगा आपका, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। आप देखो ये आपका इन में जाएगा, ये प्लेटिंग वाला पोर्शन है, आप देख सकते हो प्लेटिंग वाले पोर्शन में भी पूरे में ही एम्ब्रॉयडरी और नीचे बॉर्डर है प्लेटिंग में। तो ये साड़ी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, एक बार ट्राई करना, उसके बाद आप बोलोगे सच में दी क्या साड़ी आपने बताई थी, मतलब ऐसी साड़ी मीशो पर मिल रही है मैं क्या ही बोलूँ। अच्छा, इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो सिला नहीं था, तो ये भी ब्लाउज रेडीमेड मीशो का है, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस साड़ी के साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है, और आप इस पर ना सिल्वर कलर का ब्लाउज भी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाबू मेरा कैसे कर रहा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी साड़ी के लिए। सेकेंड साड़ी की ब्लाउज की बात करते, इसको मैंने कलवा लिया क्योंकि इसको मैं पहनूंगी कहाँ, जी हाँ, मेरे क्या छठ पर यानी जल ही छठ पर, तो इसका ब्लाउज है जिसको मुझे सिलने के लिए देना है। पता नहीं सिल पाता या नहीं, बट नहीं सिल पाएगा तो कोई दूसरा ब्लाउज पहन लूँगी। तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है। सबसे बड़ी खास बात इसकी मुझे क्या, इस साड़ी की, ये साड़ी ना इतनी ज़्यादा शाइन है, इतनी कम्फर्टेबल है पहनने में कि मैं क्या ही बोलूँ। तो अभी हम बात करते हैं हमारी साड़ी की, वाह सच बताओ मेरा दिल आ गया इस पर। ये साड़ी जैसे ही मैं देखी तो मैंने कहा यार ये मीशो की है, पहले तो मैं कुछ देर शॉक में थी, और इस साड़ी में जितनी शाइन है ना शायद इस कैमरे में आ रही हो, क्योंकि इस साड़ी में इतनी ज़्यादा शाइन है, इतनी शाइन है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे प्लस पॉइंट इस साड़ी का क्या है मैं आपको बताऊँ, ये पहनने में इतनी कंफर्टेबल है, बनारसी साड़ी की प्लेटिंग नहीं बन पाती, जैसे ये वाली साड़ी है ना ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है, बट यार इतनी अच्छे से इसकी प्लेटिंग बन गई है ना कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं ऑर्गेंजा साड़ी पे नहीं जाती थी, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती थी वो फूली फूली, लेकिन ये ऑर्गेंजा इतना मतलब अच्छा है क्या ही बोले इसके बारे में, बहुत कम्फर्टेबल है। तो चलो साड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ ये डार्क पिंक शेड है, डार्क पिंक शेड है, ठीक है। तो ये इसका है आंचल, ये देखिए ये है इसका आंचल इस साड़ी का, बहुत सुंदर है साड़ी, इसको भी आप ट्राई करना। ये भी 600 या 500 के राउंड है। इसका बॉर्डर देखिए, इसकी शाइन मैं आपको बता नहीं सकती, इसको मैं बैक कैमरे से भी आपको दिखाऊंगी। एक्चुअल में ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, तो मैं इसको ऐसी दिखा रही हूँ। इसकी प्लेटिंग आप देखो कितनी अच्छे से, मैं अभी आपको प्लेटिंग इसकी करके दिखाऊँगी आपके सामने। ये देखिए बहुत सुंदर साड़ी है, पूरी ही साड़ी ऐसी है जैसा मैंने बताया कि मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। ये देखिए
बहुत इजीली इसकी प्लेटिंग बनती है और बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अब आप इसकी प्लेटिंग देखिए नीचे से, मतलब कहीं भी आपको फूला दिख रहा है, बिल्कुल ये चिपक सी गई है, ये देखिए नीचे तक। तो इसमें साड़ी में यही प्रॉब्लम नहीं है कि ये फूली फूली सी रहेगी या अजीब लगेगी, तो यार ये साड़ी नहीं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि इसको भी आप ज़रूर ट्राई करना। यार सच बताऊँ 500-600 रुपये में ऐसी साड़ियाँ कहाँ मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। हमारी साथ क्यों हाँ रहे बेटा नेक्स्ट, हमारी जो साड़ी है ना वो है बनारसी और ये पिंक कलर है। एग्जैक्ट इसका जो लुक है ना वो मैं सच बताऊँ कैमरे में नहीं आ रहा, इतनी सुंदर ये साड़ी लग रही थी। और ये भी ब्लाउज रेडीमेड है जो है मीशो का। मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ और इस साड़ी को मैं भी पहनने वाली हूँ, कहाँ मैं आपको बता दूँ, अभी हर छठ है, आज है 22 तारीख, तो हर छठ वाले दिन में देखो कौन सी साड़ी पहनती हूँ। इन दोनों में से कोई भी साड़ी मैं पहन सकती हूँ। तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर की साड़ी है, आपको कितनी गर्मी लग रही है क्योंकि जो फैन है वो ऑफ। लास्ट हमारी साड़ी है लहरिया साड़ी ग्रीन कलर की, ये भी बिल्कुल इतनी सस्ती सस्ती साड़ी है यार, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके साथ मैंने रेड कलर का पेटीकोट पहन लिया था तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था, माइंड मत लीजिएगा। इसका ब्लाउज रेड कलर का है बट मैंने सेम ब्लाउज के साथ इस साड़ी को वेयर किया है और इसमें बॉर्डर बहुत सुंदर सा बॉर्डर है जो पहनने पर इतनी प्यारी लगती है। इसका मटेरियल जॉर्जेट है, बहुत बहुत सुंदर साड़ी है, तो इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। कुछ अलग तरीके से मैंने इस वीडियो को दिखाने की कोशिश की है। अच्छा वैसे वीडियो अच्छी लग रही थी ऐसे आप कमेंट करके बताना, वैसे ही फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल